और अब बात मीका सिंह की करेंगे, जिन्होंने लड़की को 440 वोल्ट का झटका दिया है। जी हाँ, मुंबई की एक फैशन डिजाइनर ने मीका पर शोषण करने का आरोप लगाया था, लेकिन मीका ने पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज दिया है जिसने मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। मीका के घर सुबह 5 बजे का सच। खिड़की से क्यों घुसी मीका के कमरे में लड़की? मीका को 440 वोल्ट का झटका। सबसे पहले आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। ये मीका का घर है और सुबह के करीब 5 बजे का वक्त हो रहा है। अचानक से एक लड़की खिड़की के रास्ते चोरों की तरह कमरे में घुसती है, जहां ये सोफे पर पैर रखती है और गिर जाती है। इसके बाद वो खड़ी होती है और दूसरे कमरे की ओर बढ़ जाती है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो मीका ने पुलिस को सौंपा है, लेकिन दूसरी ओर इस लड़की का आरोप भी सुन लीजिए। खुद को फैशन डिजाइनर बताने वाली इस लड़की ने मीका पर मॉलेस्टेशन के आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि मीका ने उसे घर बुलाकर मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। जब मैं मीका सिंह के घर अपनी बकाया रकम मांगने गई तो मीका सिंह ने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरे कपड़े फाड़े और मारपीट भी की। लड़की यही नहीं रुकी, जब पुलिस लड़की से बात करने गई तो वहां भी उसने जमकर हंगामा काटा। इसके बाद लड़की के साथ महिला पुलिस वालों को जबरदस्ती करनी पड़ी। हालांकि मोबाइल से शूट किए गए इस वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। महिला ने मीका के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा थाने में FIR लिखवाई है। मीका सिंह पर IPC की धारा 354, 323 और 504 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एक लेडी ने कंप्लेंट कर दिया है, उनका ऐसा कहने का मतलब था कि वो पैसा मांगने के लिए उनके घर पे गई तो उसने उनके साथ बदतमीजी कर दी, उनके बाल वगैरह पकड़ के उसके साथ बदतमीजी कर दी, इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। केस दर्ज हो चुका है। सिंगर मीका सिंह के खिलाफ 354 का मॉलेस्टेशन का केस दर्ज हुआ है और हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मीका ने भी महिला पर घर में जबरदस्ती घुसकर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया। मीका ने घर का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा, जिसमें महिला खिड़की से घर में घुस रही है। मीका ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि सुबह 5 बजे के आसपास एक लड़की मेरे घर में खिड़की के रास्ते घुसी और मुझे गाली देना शुरू कर दिया। उसने मुझ पर हमला किया और मेरे स्टाफ को धमकाया कि अगर मैंने उसे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो मेरे खिलाफ झूठी शिकायत लिखवा कर मेरा करियर बर्बाद कर देगी। मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दे चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है, मेरे पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। मीका के वकील का कहना है कि लड़की मीका से पैसे ऐंठने के चक्कर में है और मीका को ब्लैकमेल कर रही है। मीका के घर का सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद मामले में नया ट्विस्ट आ गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जिसके बाद सच सामने आएगा। मीका को 440 वोल्ट का झटका लगेगा या महिला के आरोप बेबुनियाद साबित होंगे। विक्रांत, मुंबई आज तक।